पागल हो गया वो सठिया हो तुम गया लोग क्या क्या है? कर रहे आज हो? व्लॉग नहीं बनाना इसलिए उसके सर पे चढ़ गई है भूत। लेकिन तुम लोग को इतना मैं समझाई। जैसे बाहर गया मेरी बुराई चालू कर दिए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, और आप सभी का स्वागत है नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो पहली बात तो ये कि आज मैंने थोड़ा सा नया हेयर स्टाइल ट्राई किया आप लोगों के बोलने के बाद, बिकॉज आप लोग सब लोग बोल रहे थे कि कुछ नया लाओ कुछ नया लाओ। तो ये देखिए आज मैंने थोड़ा ड्रेसिंग सेंस भी थोड़ा लाइक अलग लुक ली हूँ। एक और एक बात नोटिस में लाना है कि हम लोग ने ये पूरा मन डेडिकेट किया कि एक्सट्रीम प्रैंक और एक्सट्रीम चैलेंजेस करना है। तो अभी तक आप मुझे बताइए कि आप लोगों को चैलेंजेस और हमारे प्रैंक कैसे लग रहे हैं, और क्या क्या इनोवेशन लाना चाहिए, और क्या क्या आप देखना चाहते हो प्रैंक्स में चैलेंजेस में। और उसके अलावा बकरा बनने वाले आज कोई तो एकदम मस्त वाला, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम नर्वस ऑल्सो कि भाई सामने वाले का क्या हाल होने वाला है आज हमारे वजह से। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड गाइस, लव यू ऑल। सो गाइस, मिसबा का हम लोगों को फोन आया, बोली बिल्डिंग के नीचे हूँ, वो आ रही है, प्रैंक स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर अभी। क्या बोलते हैं निदा? यस, टॉपिक्स याद है ना? क्या है टॉपिक्स? कुछ भी फालतू टॉपिक्स पे झगड़ा करना। अच्छा, है जैसे मम्मी लोग के साथ कहते हैं। हाँ, जैसा पुराना। याद है, याद है, याद है, याद है। खराब है, क्या करेंगे? बहुत सर दर्द है यार, कसम से। सर दर्द तो यहाँ पर भी है। क्या सुफियान, क्या कर रहे हो यार? पूरा घुटने भी बैठ गए, पागल हो क्या तुम? तो हाँ, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ठीक है ना? ठीक है ना, क्या उसको लगा बैठ गए मस्त ढेबला लेकर अपना? ओवर रिएक्ट करो जबरदस्ती। अच्छा, जब से तुम कर रहे हो उसका क्या? मैं क्या किया? क्या हो गया भाई? सबके सामने तुमने झगड़ा किया, मैं कुछ बोली तुम्हारे को, अब आके मेरे घुटने में बैठ गए। ये क्या फालतू बातों पर झगड़ा कर रहे हो तुम? वो क्या फालतू बातें, बहुत जेन्युइन सी बात है। कोई थर्ड पर्सन अगर मेरा झगड़ा देख रहा है, मेरे को नहीं पसंद है भाई, आई एम नॉट कंफर्टेबल। क्या हो गया भाई, मैं थर्ड पर्सन हूँ? तुमको नहीं बोल रही हूँ। पहले पानी पूरी खाई, फिर बोलती मेरे को मेदू बड़ा खिला। अरे तो मेरी क्या गलती है? इतनी भूखी है लेकिन तुमसे तो कम ही भूख लगती है उसको। हाँ, दो तीन दिन करने में भूख लगती है। मैं कुछ बोलती हूँ, जाती हूँ ना, चाय बनाती हूँ ना बराबर, चाय बिस्किट, चाय बिस्किट, चाय अंडा सब चीज वो बना के नहीं देती हूँ। आराम से बात करो भाई, इसको हर चीज में तकलीफ है। मुझे बोलती है कि आधा आधा घंटा अंदर क्यों बैठता है? अरे अरे मेरी मर्जी भाई, मैं कितना भी टाइम बैठू तुमको। एक मिनट, वो भी मेरे को क्यों हुआ? क्योंकि दो घंटे जब मैं रहने जाती हूँ तब तुमको प्रॉब्लम होती है। दो घंटा नहाते क्या हो, करते क्या हो, बाल इतने लंबे लंबे धोने को टाइम नहीं लगता है? फालतू बातें मत करो। अभी तुम बताओ मिसबा, तुम्हारे तो छोटे बाल है, तुमको कितना टाइम लगता है नहाने के लिए? फिर भी 15 मिनट, मुझे 2 घंटा लगता है, मेरे लंबे बाल है। ब्रो तुम लोग वो लड़की नहीं है, कंडीशनर लगाते लगाते आधा घंटा लग जाता है। भाई लंबे बाल में टाइम लगता है नहाने, लेकिन तुम लोग क्या बच्चे लोग, इतना टाइम, लेकिन इतना टाइम लगता है नहाने में। सुफियान क्या हो गया? अरे हर चीज में टोकती, हर चीज में। मैंने बताई थी ना, मैंने मुंडी हिला रहा हूँ, मुंडी हिलाने के बाद भी 10 बार कर रही है, तो क्या करूँ बताओ? लेकिन मैं उसको सिखाई थी कि यही राज है। तुम्हें राज नहीं है, गलत है ना, जो सही बात है उस पे वो क्यों रिएक्ट करता है? मैं इसका कंगा यूज करो तो बोले मत यूज़ करो, तुम्हारे बाल टूट के मेरे कंगा ही में आएंगे। अरे क्यों, मैं तेरा हस्बैंड नहीं हूँ क्या? तुम बताओ तुम करोगे ऐसा? तुम ऐसा बोलते हो? और तुम क्या क्या बोलते हो जरा बताना। क्या बोला? तो क्या बोला, क्या बोला? इतनी बात करी, देखे मेरा पैर नहीं चल रहे, मेरे पैर नहीं चल रहे, फिर भी नीचे जाके व्लॉग बना रहे, तो जूस भी नहीं पिला रहा है, बोल रही प्यास लग रही हालत में। अरे तो खुद जाके पी ले। पहले मैं बोली राव जरा पैसे दो मेरे को जूस खरीदने का, बोलते तुम्हारे फोन में पेटीएम में ना जाओ तुम कर लो। अरे 50 रुपए तुम जूस के लिए नहीं दे सकते मेरे? अरे तो दो ना। तू शादी क्यों किए तुम? तुम दो ना, तुम्हारा शादी क्यों किए? 50 रुपए नहीं दे सकते जूस के लिए? अरे तुम्हें तुम्हारा ठेका लिया हो क्या? हाँ ठेका तो लिया हो तुम, ठीक है बीवी किसकी तरफ हो? अरे मैं तुम दोनों की तरफ हूँ, लेकिन तुम लोग लड़ क्यों रहे हो ये सब बात पे? तुम लोग मेरे को बुलाए लड़ने के लिए? लड़ने के लिए नहीं ब्रो, मैं कब से सही बैठी हूँ जरा सा। अरे कब से बोले जा रही है इतना पक 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 पक, कोई भी चीज में मैं बोलूँ ये करना बोले नहीं वो करना, मतलब मेरा इसको उल्टा ही बोलना जो मैं बोलूँ, नहीं बोलते तुम। और तुम क्या करते हो? क्या करता हूँ? तुम तो मेरे हाँ में हाँ मिलाते हो, ताल से ताल मिला के चलते हो। ए निदा छोड़ो यार, फालतू बातें बैठे। अरे ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, क्या हो गया? क्या बोलूँ अभी उसको, पागल हो गया वो सठिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? आज व्लॉग नहीं बनाना इसलिए उसके सर पे चढ़ गई है भूत। लेकिन तुम लोगों को इतना मैं समझाई कि ये थोड़े हरकतें कम करो, नजर लगती है लोगों की नजर। अरे नजर लग गई है ब्रो, मैं उठती पिटती गिरती पड़ती हूँ, उसको कुछ भी ध्यान नहीं है, जरा सा नाश्ता नहीं देता है, खाना नहीं देता है। तुम क्या मेरी बुराई करने के लिए मेरे को वो करे? तुमने जैसी बाहर गया मेरी बुराई चालू कर दी है। अबे पागल बुराई करेगी वो? अभी
पूछेगी उसने क्या किया तो मैं नहीं बताऊंगी। अभी बोल रही कि थाना अंडा बना के दे नहीं रहे, बुराई करने के लिए बाहर भेजा मेरे को तुमने। अरे भाई तुम खाली ऐसा मत क्या बोलो समझे ना भाई, घर पे ऐसा मत बोलो भाई। एसी भी नहीं चालू करते हो रात में। एसी देखो कितनी झूठी है, एसी चालू करूंगा मेरा लाइट बिल ज्यादा आएगा। जा अपनी माँ के घर पे सो। क्या जाओ जाओ चलो जाओ, मैं अभी रोज रात को अपनी मम्मी के घर पे जाके सोऊंगी, वहाँ पे एसी के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। जाओ ना अभी निकल जाओ, तुम लोग कैसी जाओ जाओ जाओ, नहीं यार एसी में सो, कूलर में सो, बर्फ बिछा के सो, नहाओ बर्फ के अंदर, जो करना तुमको करो, स्नो वाले में जाके रुक जाओ, इतनी तुमको एसी की तलब लग रही है तो। सुफियान कुछ भी मत बोलो। अरे ये कुछ भी बोल, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंजूस है ब्रो ये, कंजूस। तो तुम्हारे पैसे की बारिश हुई तुम्हारे पास, तुम चलते हो पैसे गिरते ऊपर से ना। पैसे नहीं गिरते पर फिर भी कंजूस नहीं तुम्हारी तरह। एक 50 रुपए का जूस तो मैं किसी गरीब को भी पिला दूँ, गरीब समझ के पिला देते मेरे को। हेलो भीख ले लो, कुछ भी बोल रहा हूँ, भीख ले लो, ठीक है भाई। देखो मैं तुम्हारी सपोर्ट पे हो, लेकिन तुम कुछ भी उल्टा उल्टा बोल रहे हो। अरे वो इतनी सी बात पे कर रही है, मैं क्या बोलूँ बताओ, इंसान फ्रस्ट्रेटेड होगा कि नहीं होगा। एक बात बताओ, आज 12 बजने वाले, अभी देखो कितना टाइम बाद की, 1 घंटा, आज मेरे को 2 महीना हो जाएगा शादी को, इसको याद भी नहीं है। अरे तो क्या हर महीने एनिवर्सरी मना रहे हो? चॉकलेट तो लेकर आओ, हर महीने तो आए हर महीने चॉकलेट नहीं लेकर आ सकते। बेबी आज हम बेबी आज हमें मिलके 1 घंटा हो गया, 1 घंटे की एनिवर्सरी। अरे मेरे को अरे ये क्या बात हो गई यार, एक बात बताओ, चॉकलेट तो छोड़ो, डार्क चॉकलेट तो डार्क चॉकलेट ना खा सकती हूँ ना, उससे तो मोटी नहीं होगी ना। थोड़ा डार्क चॉकलेट से मोटी नहीं होगी, किसने बनाया डार्क चॉकलेट? हाँ तो तुम मेरे को खाने के लिए दिया था, उसका सीईओ ने मैसेज किया कि नीता तुम डार्क चॉकलेट खाओ मोटी नहीं होगी। तुम क्या कर रहे हो, ये मजाक बना रहे हो अपना और कुछ नहीं। अदर वे में ले रहे हो ब्रो, सॉरी। तो मिसबा आती मजे लेने के लिए, कहानी हुई है उसको, लोगों में झगड़ा देखने मजा आती है। तुम रो रहे हो, मिसबा खुश हो रही, देखो खुश नहीं हो रही, देखो उसकी आंखों में चमक दे, नीता खाली उसको लोगों का झगड़ा, उसको सिर्फ लोगों का झगड़ा देखना पसंद है नीता, तुम जानते नहीं हो उसको। अरे बापरे बाप, पानी लेकर आओ, अब वो जाके झगड़ा लड़ेगी अपने बीच में। पानी लेकर आओ ब्रो, रो मत यार। अरे देखो तुमको बहुत खांसी है, रो मत ब्रो, कुछ भी करता है कसम से। तुमने मिसबा को कंटेंट दे दिया अभी, बात करने के लिए 4 दिन तक बात करी झगड़े के बारे में भी है। अल्लाह तुम जाओ यहाँ से, तुमने बहुत सीन क्रिएट कर लिया, जाओ यहाँ से, बिल्कुल नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं रहना। क्या ब्रो ये सब फालतू बात मत करो, ठीक है? तुम मेरे को चॉकलेट दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? नहीं दिलाऊंगा, हाँ तो नहीं रहना मेरे को, चॉकलेट पे खत्म करेंगे, चॉकलेट पे खत्म करेंगे, बस हो गया अभी। हाँ जाओ, और ये भी चॉकलेट जो है ना, अभी तोड़ के फेंक रहा हूँ इसको, छोड़ो। सुफियान ये सब मत करो, ये सब फालतूगिरी मत करो, लो खाओ और निकलो चलो। क्या नहीं, अरे बाप रे सुफियान फालतू बातें मत करो, मेरा भी घर है समझे ना, मेरी शादी हुई है, शादी हुई है सानी की, शादी करके चलो। नहीं एक काम करो, चलो यहाँ पे आ जाइए, काटो बेड और वहाँ रख बात। हाँ ठीक है, अपना बेड लेकर उतर रहा हूँ मैं, चलो हटो मिस, हटो वहाँ से बेड। अरे भाई तुम पागल हो, नहीं बस हो गया अभी भाई, अभी कब तक झेलेगा इंसान कोई चीज, एक चीज तो हर यार तो 2 महीना हो गया, आधा 20 साल हो गए। हाँ आधा काटो, इसको काटो हमारे रूम में, फिर सो रहा है कवर पे ही है ऐसा सुपरते हुए। चलो चलो देखे मजे ली ना, ये आती ही है, तुम ही कर रहे हो, तुम कर रहे हो समझे ना, मिसबा मत किया करो तुम यार फालतू में। मैंने क्या किया? देखो अभी भी बोल रहे हो, अभी भी हंस रही है, क्यों बोल रहे हो ब्रो? मत करो यार, तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो अभी, समझे ना, ये सब फालतू बातों पे झगड़ा और मैं मजे लूंगी तुम लोग के। देखो उसकी आंखों में खुशी, ब्रो हाथ कोमोली का एक नंबर का मत करो सुफियान, ठीक है? क्या फायदा हुआ किसी मजे ले रहा है ना, दो ही तुमको मैं कब से बोल रही थी, ऐसे लोगों को बुलाने के नहीं घर पे, मैं चुप रहती हूँ, तुम लोग लड़ लो फिर मेरे को बुलाए तो अपन मजे कर लेंगे। क्या तेरी चॉकलेट फेंक फेंक कर मार रहा है, तुम लोग इतने बेकार हो, तुम लोग कैसा ना कैसा ढूंढ ही रहते हो प्रैंक करना, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी। एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया, बहुत सॉफ्ट टारगेट, और बहुत टाइम हो गया था तुम पे प्रैंक नहीं किए हो ब्रो, तुम कहानी जुबानी सुनो, इस बात जरा बोल दो नीता, क्या अपना डायलॉग तंदूरी। लेकिन मैं ये प्रैंक को सच्ची इसीलिए मानी क्योंकि लोग मेरे सामने लड़ चुके एक दो बार और मैंने हैंडल, एक दो बार के हजार बार, हजार बार तुम बातें ऐसी करते, हंसना ही पड़ता है बस, ये तो किसी के साथ लेकर जाकर जब कोई सीरियस टॉपिक चल रहा तो हंसा दे, ऐसी है एकदम कॉमेडी मुंह है तुम्हारा, तुम्हारे मुंह से अच्छा है बीवी, तुम
ब्रो मैं एक मिनट के लिए डर गई थी, खांसने लगी थी, मैं अपनी पूरी लाल लाल हो गई है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। वो आंसू नहीं आ रहे थे और अचानक से खांसी आ गई, मेरी खांसी ऐसी, तो मैटर थोड़ा सीरियस हो गया। हाँ मैटर सीरियस हुआ, प्रैंक हो गया गाइस, मजा आ गई आज के व्लॉग में, बहुत बेकार लोग है ये लोग। चलो सो गाइस थैंक यू, एक बार बोल दो निदा थैंक यू, एक बार तुम भी बोल दो मिसबा थैंक यू। ये ऐसा नहीं बोलती है, मैं वैसे ही बोलता हूँ, तो तुम तो बोलो वैसे थैंक यू। एक नंबर चलो चलो गाइस, तो गाइस आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे, सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, लव यू, अल्लाह हाफिज।